इस दफा की कॉन्फ्रेंस की एक सब थीम एम्प्लॉयबिलिटी है। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मैं इसको एक थोड़े से जो एक प्योर इकोनॉमिक लेंस होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ देखती हूँ। आज से 16 साल पहले 2006 में मैंने एक पेपर किया था जिसका टाइटल था डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक थ्रेट इन पाकिस्तान। 16 साल से ये एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक यूथ बल्ज है, जो यंग लोग हैं उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं मुल्क के लिए भी और उनके लिए भी। पाइड ने रिसेंटली एक सर्वे किया, पाइड बेसिक सर्वे, उसमें एक सवाल था कि गिवन अ चॉइस वुड यू लाइक टू लीव पाकिस्तान। 62% ऑफ द मेल्स एज 15 to 24 सेड कि अगर उन्हें ये मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान से चले जाना चाहेंगे, जो कि एक बहुत मायूस कुन फाइंडिंग थी। उनमें से 87% ने कहा कि उनकी बेसिक वजह मुल्क छोड़ने की लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, अच्छी एम्प्लॉयमेंट। इससे ही एक रिलेटेड हमने सवाल किया कि क्या आप किसी क्लब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल पे, हम किसी बहुत फैंसी क्लब्स की इसमें बात नहीं कर रहे, अपने बहुत छोटे लेवल की भी, उसका हिस्सा है। 97% ने कहा कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। सोशल एंगेजमेंट, सिविल पार्टिसिपेशन, हमारे सर्वे से पता चला कि बहुत कम है पाकिस्तान में। किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? हमें इस तरह के नेटवर्क्स की ज़रूरत है जहां लोग एक दूसरे से मिल सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। पाइड इस तरह के तमाम सवालों के जवाब की तलाश में है, और हमारी ख्वाहिश है कि आप भी हमें, हमारी मदद करें इनके जवाब हासिल करने में। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट को हम मुआश या रोज़गार कहते हैं। तो क्या एम्प्लॉयमेंट रोज़गार या जरिया मुआश है, पैसा कमाने का जरिया है, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है या प्रोफेशनैलिटी है, या इससे बढ़कर कुछ है? एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी की इन इंडिजिनस अंडरस्टैंडिंग्स को समझना भी इंतहाई अहम है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि हमारे जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स एम्प्लॉयमेंट को कैसे देखते हैं और समझते हैं, और आया उनकी अंडरस्टैंडिंग्स कोहेरेंट है या उनमें कोई एसिमेट्रीज है। फॉर इंस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशंस टॉक अबाउट रेशियल सेंसिटिविटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी, बट हमारे इदारे स्ट्रक्चरली और सोशियोलॉजिकली डाइवर्स नहीं है, तैयार नहीं है, इनहेरेंटली मैस्कुलिन है। फॉर द 36th AGM and conference of the Pakistan Society of Development Economics, we're going to Butum Squetta in collaboration with several other local universities including the University of Balochistan. Please stay tuned. हमने मुल्क में यूनिवर्सिटीज का जाल बिछा दिया है जिससे सालाना लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, मगर मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती से बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की एक बड़ी वजह जहां रोजगार के मौकों में कमी है, वहीं ग्रेजुएट्स की लो एम्प्लॉयबिलिटी भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती है। एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में हमारे तालीमी इदारों में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे जरा सा भी फोकस नहीं किया जा रहा। जरूरत इस बात की है कि तालीमी इदारे अपने स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जोर दें, यानी उनको टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स भी मुहैया किए जाएं, और साथ ही साथ एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। बाय द टाइम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें, वो ना सिर्फ जॉब सीख करने के लिए तैयार हों, बल्कि साथ साथ वो जॉब गिवर्स भी बने, वो एंटरप्रेन्योर्स भी बने, जिससे हमारे नौजवान नस्ल का और हमारे मुल्क दोनों का बहुत फायदा होगा। A significant aspect of employment is the labor supply, which is naturally contingent upon the quality of a higher education system, in turn dependent upon the governance structures and institutional arrangements that are in place in society. Pakistan's university landscape is fraught with a myriad concerns, including but not limited to a lack of investment in faculty, an obsession with brick and mortar, a poor research collaborations between the higher education institutions, and a largely undemocratic system where students are seen not as central stakeholders in the functioning of the university, but rather as customers. An overhaul of this top-down, largely bureaucratic and colonial style of education that is based primarily on discipline and rote learning has to be eliminated, has to be overhauled, and in our PSD conference we will be delving into all of these details and discussing how we can chart a path forward for our youth in Pakistan. Thank you so much.